जब भारत सरकार हमारे जन के अस्क में या पद्म भूषण DSO को श्रद्धांजलि देते हुए एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जारी करने जा रही है। जनथिमैया एक मजबूत इरादे वाले एक कुशल सैनिक नेता थे जो सेना के मूल सिद्धांतों एवं आदर्शों को पालन करते हुए सबसे आगे रहकर सेना के नेतृत्व करने में विश्वास करते थे। उन्हें अपने उपस्थिति मात्र से सैनिकों में जोश एवं उत्साह भरने और विपरीत परिस्थितियों को हरी जीत में परिवर्तित करने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। उनका सैनिक जीवन 3 दशकों से अधिक की अवधि का रहा है। उनका सैन्य काल मुश्किल हालात को परखने एवं डिसीजन मेकिंग की काबिलियत तथा शौर्य एवं बहादुरी से भरपूर है, जो उन्हें मिलिट्री लीडर्स के बीच के एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं। उन्होंने कांगो के युद्ध में सफलतापूर्वक 819 हैदराबाद रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वे एकमात्र भारतीय कमांडर थे जिन्होंने एक ब्रिगेड का नेतृत्व किया था। अब सबको मालूम है जनथिमैया May 57 से May 61 तक हमारे सेनाध्यक्ष भी रहे हैं। कोरिया रिपेट्रिएशन में उनके उल्लेखनीय योगदान के अलावा अन्य बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पर उनके कुशल कौशल और वर्ल्ड लीडरशिप ने खुले मानकर स्वीकार किया और उन्हें साइप्रस में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का कमांडर नियुक्त किया था। कुमाऊं रेजिमेंट के हम सभी सैनिकों का सौभाग्य है कि उन्हें 419 हैदराबाद रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त हुआ और उन्होंने 819 हैदराबाद रेजिमेंट को लड़ाई के दौरान कमान किया। हम उनके उच्च कोटि के सैन्य नेतृत्व को अपनाने तथा उनका अनुकरण करने के प्रयास करते हैं। हम सभी उनकी वीरता की कहानियों एवं किस्सों और सैन्य पराक्रम की गाथाओं को सुनते हुए बड़े हुए हैं। आज हमारे बीच 4 और 8 कुमाऊं के कमान अधिकारी तथा भूतपूर्व कमान अधिकारी और कुमाऊं रेजिमेंट के सेवानिवृत्त अधिकारी यहाँ मौजूद है। अब सबसे प्रतिष्ठित से हम सब मिलकर सबसे प्रतिष्ठित सैनिकों में एक जनकेंद्रित केश हिमाय को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं।